रेकी, हीलिंग, मेडिटेशन, एंजल थेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, थर्ड आई और कुंडलिनी रेकी जैसी 65 से भी ज़्यादा ऑल्टरनेटिव थेरेपी सीखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और साथ में लगे बेल आइकन पे ऑल प्रेस करें ताकि लगातार हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं रेकी के नियम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रेकी का वो नियम जो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, गुरुओं के द्वारा बनाया गया है ये नियम, जो हम सभी को इस्तेमाल करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। दोस्तों, रेकी एक ऐसी विद्या जो आपके सभी दुखों को दूर कर सकती है, आपकी हर समस्या का समाधान कर सकती है। रेकी का ये बहुत ज़रूरी नियम है, इसको फॉलो करके आप सभी को बहुत फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, एक कहानी है जिस कहानी के माध्यम से आपको ये नियम समझाने की कोशिश करूँगा, और बहुत प्रसिद्ध ये कहानी है जो हमारे गुरुजी डॉक्टर मिकाओ उसोई जी की कहानी है। कहा जाता है कि डॉक्टर मिकाओ उसोई जी, जब उनको ये विद्या प्राप्त हुई, ये शक्ति प्राप्त हुई, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो लोगों को हीलिंग करेंगे, लोगों को मदद करेंगे, लोगों को प्रॉब्लम से निकालेंगे। जब उन्होंने गरीब लोगों के पास जाना शुरू किया, इस तरह के कैंप लगाने शुरू किए स्लम एरिया में, जहां वो लोगों को मदद करना चाहते थे, तो बहुत से लोग उनके पास मदद के लिए आए। उन्होंने बहुत से लोगों को हीलिंग किया, बहुत से लोगों को रेकी दी, एनर्जी दी, शक्ति दी। बहुत बार बहुत से लोग तो आते थे और फटाफट ठीक होके चले जाते थे, मगर कुछ लोग ऐसे होते थे जिनको ठीक होने में टाइम लगता था, या वो लोग ठीक हो जाते थे, कुछ महीने बाद दोबारा अपनी समस्या लेके आते थे, दोबारा सेम बीमारी लेके आते थे। कुछ लोग ऐसे भी हुए जो जब वो एनर्जी लेने के लिए आते थे, रेकी लेने के लिए आते थे, तो उनको जल्दी से असर ही नहीं होता था, वो ठीक ही नहीं होते थे, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता था। जब गुरुजी ने, डॉक्टर मिकाओ उसोई जी ने इस चीज़ को ध्यान से देखा, समझा, तो थोड़े परेशान हो गए। उन्होंने सोचा, क्या कारण है इसका, क्या मुझ में कुछ कमी है कि मैं इनको रेकी दे नहीं पा रहे, सब ठीक नहीं हो पा रहे, या इस शक्ति में कुछ कमी है जो इन सबको ठीक नहीं कर पा रही, क्या इन लोगों में कुछ कमी है जो इस ऊर्जा को ले नहीं पा रहे। बहुत चिंतन करने के बाद, बहुत सोचने के बाद, उनको ये एहसास हुआ, ये शक्ति तो बहुत अच्छी है और मैं भी सबको समान रूप से ऊर्जा दे रहा हूँ, मगर ये जो लोग हैं, इनके सोचने समझने की जो शक्ति है, जो रिसीविंग पावर है, जो उनकी मान्यताएं हैं, जो उनका विश्वास है, वो सबका अलग है। उन्होंने महसूस किया, जो लोग बहुत श्रद्धा विश्वास से आते हैं, जिनको बहुत बिलीव है ईश्वर पर, शक्ति पर, या उन्होंने कहीं कोई ऐसा एक्सपीरियंस देखा, सुना कि कोई फलाना इंसान ठीक हुआ और ये भागे भागे आए, तो इसको जब रेकी दी गई तो ये बहुत अच्छा रिसीवर था, इसने फटाफट एनर्जी को रिसीव किया और ये कुछ ही समय बाद ठीक हो गया। कुछ इस प्रकार के लोग आए जो थोड़े कन्फ्यूज थे, जो सोच रहे थे होगा नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, जिनमें विश्वास नहीं था, मगर वो देखने के लिए आ रहे थे कि शायद मैं भी ठीक हो जाऊँ। ऐसे लोगों को जब रेकी दी गई, ऊर्जा दी गई, तो उनको फ़ायदा भी हुआ, मगर वो फ़ायदा ज़्यादा देर तक नहीं चला। जब वो नेगेटिव हो गए, जैसे उनकी सोच बदली, जैसे उनका विश्वास ख़त्म हुआ, तो उनकी समस्या दोबारा आ गई। कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको विश्वास ही नहीं था, जैसे हम लोग जानते हैं कि बहुत बार जब भंडारा लगा होता है तो वो लोग भी आ जाते हैं भंडारा खाने, जो घर से नाश्ता पानी लेके आए हैं, जो टिफ़िन लेके आए हैं, जिनका पेट भरा हुआ है, वो कहते हैं फ्री में मिल रहा तो ले लो। जैसे हम बहुत बार देखते हैं कि कोई भी चीज़ फ्री में बट रही है तो लोग उसका अनादर कैसे करते हैं।
बहुत बार हम देखते हैं कि हम प्रसाद, जिस प्रसाद को हम बहुत बहुमूल्य मानते हैं, ईश्वर का प्रसाद, ईश्वर का भोग लगाया हुआ प्रसाद, कई बार हम वो भी देखते हैं कि मंदिर पे या कुछ जगहों पे वो भी गिरा पड़ा होता है या ख़राब हो रहा होता है, या उसको आधा खाते आधा फेंक देते हैं, आधा रख जाते हैं। मिकाऊ से देखा इसी प्रकार, जब ये लोग आते हैं देखते हैं फ्री में कुछ मिल रहा है, फ्री में हीलिंग मिल रहा है, चलो जाके देखते हैं, फ्री की पिक्चर देखते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं हमारे शहरों में भी बहुत बार होता है, किसी इंसान का एक्सीडेंट होता है, वो गिर जाता है, उसको चोट लग जाती है, 20-50 लोग भीड़ लगा लेते हैं मगर उसको मदद के लिए कोई नहीं आता। उन 50 लोगों में शायद 2 लोग या 4 लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गाड़ी रोकते हैं, उसको पानी पूछते हैं, या एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं, या उसको मदद के लिए उठा के अपने साथ हॉस्पिटल लेके जाते हैं, बाकी लोग सिर्फ देखने वाले होते हैं। तो जो देखने वाली मेंटालिटी है, जो सिर्फ चेक करना चाहती है, जो सिर्फ टेस्ट करना चाहती है, इन लोगों को फ़ायदा नहीं होता। तो मिकाऊ सू ने भी देखा कि ये फालतू के जो लोग हैं, जो सिर्फ इसको टेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, इनको फ़ायदा नहीं हो रहा रेकी का। और बहुत सोचने के बाद मिकाऊ सू जी ने एक नियम बनाया कि जिससे जो आए विश्वास वाला आए, आलतू फालतू के लोग रेकी में आ ही ना सके, या जिसको विश्वास नहीं है वो रेकी में आए ना, और कोई ऐसा इंसान ना हो जो ये कहे कि रेकी से मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। उसके लिए उन्होंने एक बहुत शक्तिशाली नियम बनाया हम सबके लिए, जो सभी रेकी मास्टर्स को मानना चाहिए, मेरे गुरु मानते हैं, मुझे भी मानना है। और आज हम जब ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अगर रेकी जानते हैं तो आप भी इस नियम को फॉलो करो, या जब आप रेकी सीख लो तो इस नियम को ज़रूर फॉलो करना। दोस्तों, इस नियम का नाम है आदान प्रदान का नियम। जी हाँ दोस्तों, आदान प्रदान का नियम, कि जब हम किसी से रेकी लेंगे, जब ये एनर्जी ये शक्ति लेंगे, तो इस शक्ति के बदले में हम उसको कुछ लौटाएंगे ज़रूर। या ये कह लें कि हम अगर किसी को रेकी देते हैं, ये शक्ति ऊर्जा देते हैं, तो उसके बदले में उससे कुछ लेंगे ज़रूर। हम देखते हैं कि समाज में, दुनिया में जो भी चीज़ हमें फ्री में मिलती है, हमें उसकी कदर नहीं होती। दोस्तों, जब देखते हैं भंडारा हो रहा होता है तो वहाँ कितना सब सामान फैला पड़ा होता है, गिर रहा होता है, वेस्ट हो रहा होता है। कि आपने कभी ऐसे ख़राब होता हो सामान किसी होटल, रेस्टोरेंट या 5-स्टार में देखा? नहीं ना। फ्री में मिलती है चीज़ें तो वेस्ट होती है, पैसे लगते हैं तो एक तिनका भी कोई गिरने नहीं देता। मिकाऊ सू जी ने कहा कि रेकी भी हम किसी चीज़ से हम एक्सचेंज करेंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि मिकाऊ सू जी ने कहा कि पैसे दे के रेकी लेंगे, मगर ऐसा सत्य नहीं है। मिकाऊ सू जी कहते हैं आप पैसे की जगह कुछ भी दे सकते हैं। जैसे आप उससे कोई नेक कार्य करा सकते हैं, आप उसको कोई सेवा का काम बोल सकते हैं, उस इंसान से कोई हेल्प ले सकते हैं। आप उसको रेकी दे रहे हैं, बदले में आप उससे कोई हेल्प ले लें। या ऐसा भी हो सकता है कि आप उसको रेकी दे रहे हैं, आप उसको बोलें कि आपने 7 दिन डॉगी को दूध पिलाना है, गाय को रोटी खिलानी है, चिड़िया को बाजरा डालना है, मछलियों को आटा डालना है, कोई भी नेक काम। अब इस बात का भी ध्यान रहे, ऐसा ना हो कि वो इंसान वो कार्य करने लायक ना हो। कोई गरीब इंसान है, उसको तो आप कह रहे हो कि तू भंडारा लगा दिए तो ठीक हो जाए। कोई अमीर इंसान आ रहा है तो आप उसको कह रहे हो तुम 2 दिन डॉगी को दूध पिलाएं। तो आप इस ये चीज़ करें कि आप जिस इंसान को कार्य बोल रहे हैं वो उसके लायक होना चाहिए, उसको फ़र्क पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर इंसान को छोटा सा काम बोल दिया उसको उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये आदान प्रदान का नियम सिर्फ हमारे कनेक्शन के लिए है, ताकि हम रेकी से जुड़ पाएँ, कनेक्ट हो पाएँ। हम जब किसी चीज़ के लिए कुछ करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे भाव बदलने शुरू होते हैं। तो आज से नियम बनाएं कि रेकी किसी को फ्री में देंगे नहीं, रेकी किसी से फ्री में लेंगे नहीं। चाहे आप उसको छोटा सा काम बोलें, आप उसको ये बोल दें बेटा 1 गिलास पानी पिला दे, या आज मेरे लिए मैगी बना दे, छोटा सा कार्य है। अब घर फैमिली परिवार में बैठे हैं तो पैसे मांगते हो तो अच्छे नहीं लगते, तो आप छोटा सा काम बोल सकते हो, कोई मदद ले सकते हो किसी भी तरह की। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक रेकी नहीं सीखी तो आप रेकी ज़रूर सीखें, रेकी आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। दोस्तों, हमारी संस्था आध्यात्मिक विकास मिशन 33 से भी ज़्यादा आपको वो सर्विस देती है
जो पूरी दुनिया में आपको कोई नहीं दे सकता। उन 33 सर्विस को जानने के लिए आप अभी हमारी वेबसाइट देखें aadhyatmikvikasmission.com। और आप अगर रेकी सीखना चाहते हैं तो जो नंबर दिए गए हैं नीचे, इन नंबर पर कॉल करें, व्हाट्सअप करें, मैसेज करें, पूरी डिटेल लें। जब आपका दिल ठुके, आपको लगे बहुत अच्छी चीज़ है, तब सीखें। हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, मन में कोई सवाल है तो कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो याद से सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन पे ऑल दबाएं ताकि आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।